दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे मल्टी चेन के मल्टी कॉइन के प्राइस मूवमेंट के बारे में, अपडेटेड लेवल्स और आपके लिए टारगेट्स क्या रहेंगे। करंटली कॉइन 2.15 यूएसडी पर ट्रेड कर रहा है, एक अच्छा ब्रेकआउट, एक अच्छा क्विक पंप इसकी प्राइस में अभी देखने को मिल रहा है। ऑलमोस्ट 120% से ज़्यादा का ब्रेकआउट इसकी प्राइस में देखने को मिला अपने लोवेस्ट एरिया पर आने के बाद। बहुत दिनों के बाद इसकी प्राइस में ये ब्रेकआउट देखने को मिला है, जिसमें बहुत सारे लोगों ने इस कॉइन में बाय करके रखा है, उनका ऑलमोस्ट रिकवर होगा, बहुत सारे लोगों को प्रॉफिट देखने को मिल रहा होगा। तो अभी इस कॉइन के टारगेट्स क्या रहेंगे, लेवल्स क्या रहेंगे, कहां तक प्राइस जा सकती है और आपको कहां पर एग्जिट होना है एज अ ट्रेडर, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के पर्सपेक्टिव से आप किन एरियाज पर नजरें बनाए रख सकते हैं, ओवरऑल सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। उससे पहले जो नए इन्वेस्टर ट्रेडर मार्केट में आए हैं, जिनको ज़्यादा नॉलेज एक्सपीरियंस नहीं है और जो फ्यूचर्स में ट्रेड करना चाहते हैं, उनके लिए हमने प्रीमियम सर्विस स्टार्ट की है, ताकि वहाँ पर आपको प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर स्टडी शेयर की जा सके, चैट एक्सेस रहेगा, क्रिप्टो क्वेरीज रिजोल्व की जाएगी, सिग्नल शेयर किए जाएंगे और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो जो भी अपनी क्रिप्टो जर्नी प्रॉफिटेबल स्टार्ट करना चाहते हैं, क्रिप्टो लॉसेस से बचना चाहते हैं, वो इंस्टा पर DM करके ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टा की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। 2.15 पर ट्रेड कर रहा है, अभी इसने 2.2 यूएसडी से ऊपर वाला लेवल ट्राई किया और एक अच्छा खासा वॉल्यूम यहाँ पर देखने को मिला। लेकिन हम अगर डेली में ओपन करें, डेली का चार्ट ओपन करें, तो लगातार पिछले 2 महीने से हमें इसकी प्राइस में फॉल देखने को मिल रहा है। जुलाई जून एंड और जुलाई स्टार्टिंग से ही इसकी प्राइस में 3.8 यूएसडी वाले लेवल से लगातार डंप देखने को मिल रहा है, और पिछले 2 महीने जुलाई और अगस्त मंथ में इस कॉइन में 75% ऑलमोस्ट 70% से ज़्यादा का डंप देखने को मिला है। वीकली में यहाँ पर अगर देखें तो अपने ऑल टाइम लो पर ये कॉइन अभी ट्रेड कर रहा था, जहाँ पर इस कॉइन ने 1 USD वाला लो बनाया। अभी आज इसने 1 USD वाला 1.01 USD वाला लो बनाया और वहाँ से हालांकि ब्रेकआउट देखने को मिला, लेकिन अगर आप वीकली में देखें तो अभी भी अपने लोवेस्ट एरिया पर ये कॉइन ट्रेड कर रहा है। तो ओवरऑल रिकवरी हुई है, ओवरऑल एक अच्छा ब्रेकआउट है, लेकिन बहुत कम ऐसे इन्वेस्टर होंगे, ट्रेडर होंगे, जिन्होंने इस कॉइन में इस लेवल पर एंट्री ली होगी, क्योंकि ये चीज़ें मैं आपको पहले भी बताता हूँ और बताता हूँ, गिरते हुए कॉइन के अंदर से मैं लगातार फॉल देखने को मिल रहा है। डेली के अंदर सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है, डेली के अंदर अगर आप देखेंगे तो लगातार डंप देखने को मिल रहा है, बीच बीच में थोड़ा बहुत यहाँ पर 1.8 USD से 2.3 यानी कि 40% का मूवमेंट था, तो ये मूवमेंट ज़रूर देखने को मिले हैं। यहाँ पर इस लेवल पर एक अच्छी स्टेबिलिटी ज़रूर थी, जहाँ पर 1.7 USD वाले सपोर्ट एरिया को इसने होल्ड किया था, लेकिन वहाँ से भी हमें डंप देखने को मिला। तो अभी एक अच्छा ब्रेकआउट हुआ है, आपने अगर इस कॉइन को बाय किया है कहीं ना कहीं 1.1-1.2 USD पर, क्योंकि हमने इस कॉइन को कभी भी नॉर्मली एंट्री के लिए रिकमेंड नहीं किया, क्योंकि ओवरऑल ये मॉनिटरिंग हो रहा है, बिनांस इसको मॉनिटर कर रहा है, हाई वोलेटिलिटी कॉइन की वार्निंग यहाँ पर शो हुई थी, यहाँ पर नोट, हालांकि नॉर्मली अभी बिनांस हर कॉइन के अंदर हाई वोलेटिलिटी टोकन की वार्निंग शो कर रहा है, लेकिन इसके अंदर यहाँ पर पहले भी हमने वार्निंग इस टाइप की देखी है, और ये जो फॉल देखने को मिल रहा है ये कहीं ना कहीं बताता है कि इस कॉइन की जो टीम वगैरह है वो प्रॉपर वर्क नहीं कर रही है, डेवलपमेंट नहीं हो रहे हैं, इंस्टीट्यूशंस के इनका इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा है। जो कॉइन एक टाइम पर अभी रीसेंट की ही अगर हम बात कर ले, जहाँ पर हम अप्रैल मंथ, मार्च मंथ की बात करें, तो इस कॉइन ने अच्छे खासे ब्रेकआउट्स दिए थे, 10 USD 12 USD तक प्राइस गई थी, तो वहाँ से बड़े फॉल के अंदर जो कॉइन है उसमें कहीं ना कहीं हमारा इन्वेस्टमेंट जो है वो डूबने के चांसेस रहते हैं। तो इसमें ऐसा नहीं है कि आप अगर इस कॉइन में ब्रेकआउट हो गया तो कहीं भी बाई कर लें, अपनी कैपिटल को मार्केट में बचा कर रखना भी कहीं ना कहीं प्रॉफिट जनरेट करने के बराबर है, क्योंकि अगर आप कैपिटल गंवा देंगे या फिर मार्केट में फंसा देंगे और आपको पोर्टफोलियो में 50-60% का लॉस देखने को मिलेगा, तो ना आप ट्रेड कर पाएंगे, ना ही आप मार्केट को अच्छे से एनालाइज कर पाएंगे, सीख भी नहीं पाएंगे। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है आपको कहीं ना कहीं। अभी अगर आपने बाय किया है तो टारगेट्स की अगर बात करें तो 2.02 पर ये कॉइन ट्रेड कर रहा है, आपको यहाँ एग्जिट हो जाना है। अच्छा प्रॉफिट 80% 50% 60% का मिनिमम प्रॉफिट आपको देखने को मिल रहा होगा, हालांकि प्राइस यहाँ से और भी ऊपर 2.5 तक भी जा सकती है, तो उसके लिए हम थोड़ा बहुत यहाँ पर स्ट्रेटेजी अपनाएंगे कि 2 USD अराउंड में या फिर 1.9 जहाँ भी आप सेल करेंगे
उस लेवल पर आपको सेल तो करना है, बाकी जो पार्ट है यानी 80% पार्ट आपको 2 USD या उससे ऊपर वाले लेवल पर सेल करना है, और बाकी जो पार्ट है वो आपको 2.25 USD पर, बाकी 20% पार्ट, सिर्फ 20% पार्ट बचाना है, और उसका आप थोड़ा सा प्रॉफिट आपका बढ़ जाएगा। हालांकि चांसेस है यहाँ से कि ये कॉइन जो है वो 2.5 से ऊपर वाले लेवल को ट्राई कर सकता है, लेकिन स्टेबिलिटी नहीं रहेगी, क्योंकि हमने पहले भी इस कॉइन में इस टाइप के ब्रेकआउट देखे हैं जिसमें डेली के अंदर 50%, 40%, 100% का ब्रेकआउट है। अगर 100% से ज़्यादा का ब्रेकआउट है तो फिर नेक्स्ट डे की कैंडल हमें कहीं ना कहीं रेड कैंडल क्लोज होती हुई दिखी है, और ये हमने प्रीवियसली भी इस कॉइन में देखा है। यहाँ पर अगर दिसंबर मंथ के टाइम की बात करें तो उस टाइम पर भी ये इस कॉइन ने यहाँ पर 3 USD वाला लो बनाया था, लेकिन अच्छी रिकवरी की थी। अभी उससे भी नीचे प्राइस आ गई है, तो रिकवरी ऐसा नहीं कि यहाँ से रिकवर नहीं करेगा, रिकवर कर जाएगा, लेकिन ब्रेकआउट के बाद में प्राइस वापस डाउन होगी, या फिर यहाँ से थोड़ा बहुत और ब्रेकआउट, जैसे मैंने आपको बताया 2.5, 2.7 तक प्राइस जा सकती है, तो उसके लिए हम यहाँ पर 2 USD पर तो एग्जिट हो जाएंगे, बाकी पार्ट जो है वो 2.25 से लेकर 2.3 USD पर बाकी पार्ट को सेल करेंगे। इसके बाद जो शॉर्ट टर्म वाले हैं, ये तो ट्रेडिंग परस्पेक्टिव वालों के लिए टारगेट हैं, जो शॉर्ट टर्म वाले हैं वो यहाँ पर 60% पार्ट जो है उसको एग्जिट करेंगे 2.1 USD या 2 USD पर, और बाकी जो पार्ट है उसको 2.5 USD पर सेल करेंगे, बाकी 40%, क्योंकि आप होल्ड कर सकते हैं जो 15 to 20 days या 1 month की होल्डिंग पीरियड के लिए जिन लोगों ने बाय किया है उनकी बात कर रहा हूँ, ताकि यहाँ से देखिए यहाँ से ब्रेकआउट हुआ है डेली के अंदर, कहीं ना कहीं अच्छा वॉल्यूम आया है, तो यहाँ से चांसेस है कि अगर ये कॉइन 1.7, 1.6 USD से ऊपर भी डेली क्लोज कर लेता है तो एक आध दिन के बाद वापस इसमें 2-3 दिन, 4 दिन के स्टेबिलिटी के बाद वापस ब्रेकआउट हो सकता है, जिसमें ये 2.7, 2.8 तक भी चला जाएगा अगर आज नहीं जाता है तो, और आज चला जाता है तो हमारा टारगेट जो है वो 2.5 वाले इजीली हिट हो जाएंगे। इसके अलावा जिन लोगों ने इस कॉइन में गिरते हुए टाइम पे बाय किया था डंप के अंदर अपने 3 USD, तो कि यहाँ पे इसमें जो फॉल है वो लगातार देखने को मिला, यहाँ पर कुछ टाइम के स्टेबिलिटी थी 1.97 या 1.8, इस लेवल पर अगर आपने बाय किया है तो इस लेवल पर आपको एग्जिट हो जाना है, यानी कि अगर आपका अमाउंट रिकवर हो रहा है कहीं ना कहीं ऊपर के लेवल पर आप वेट कर रहे थे तो आपको एग्जिट हो जाना है। इसमें आपको प्रॉफिट लेकर एग्जिट होने के बारे में नहीं सोचना, क्योंकि वापस फॉल होगा और आप दूसरे अच्छे कॉइन में एंट्री लेकर, अब तक बहुत सारी चीज़ें आप सीखे होंगे उसको आप यहाँ पर फॉलो करना आने वाले टाइम में, उस टाइप से आप ट्रेड करना। बाकी जो नए इन्वेस्टर ट्रेडर है और जो फ्यूचर्स में ट्रेड करना चाहते हैं वो हमारी प्रीमियम मेंबरशिप में ज़रूर इनरोल करें, वहाँ पर आपको प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर स्टडी शेयर की जाएगी, चैट एक्सेस रहेगा, क्रिप्टो क्वेरीज सॉल्व की जाएगी, सिग्नल शेयर किए जाएंगे, और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो जो भी अपनी क्रिप्टो जर्नी प्रॉफिटेबल स्टार्ट करना चाहते हैं, क्रिप्टो लॉसेस से बचना चाहते हैं, वो इंस्टा पर DM करके ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टा की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। बाकी यहाँ पर बायो सेल खुद के रिस्क, खुद के रिसर्च के हिसाब से करें, यहाँ पर हम कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहे, वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज से है ताकि आपको ओवरऑल कॉइन से रिलेटेड नॉलेज हो सके। वीडियो अच्छा लगा है लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।